माइनक्राफ्ट सीड्स एक ऐसा नंबर जिसे तुम अगर एंटर करते हो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड जनरेशन में तो उस रैंडम नंबर से एक वर्ल्ड जनरेट होता है एंड वो कोई भी नंबर हो सकता है, बहुत तरीके के नंबर होते हैं, मतलब अनलिमिटेड नंबर्स हैं। एंड उन्हीं अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ सीड्स में छुपे हुए कुछ बहुत ही भयानक सीड्स जो कि तुम्हें डरा के रख देंगे टू योर कोर एंड तुम्हें माइनक्राफ्ट को ही क्वेश्चन करने को मजबूर कर देंगे। यस एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 5th ऑफ दिस अमेजिंग हॉरर इन्वेस्टिगेशन सीरीज जहां पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं माइनक्राफ्ट के कुछ हॉरर सीड्स एंड उनके पीछे की हॉरर बैक स्टोरीज एंड हम अपने रिस्क पे उन्हें चेक करने जाते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है एंड वो कितने झूठ है। एंड ये वाला एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये वाली सीरीज मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब मुझे ऐसे टाइप की इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री और स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है। एंड तुम सोच रहे होगे इस वाली सीरीज का लास्ट एपिसोड आया था 3 महीने पहले, एपिसोड 4, तो मैं इतने टाइम में सीरीज की वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। वेल, तुम आई डोंट नो इसे बिलीव करोगे या नहीं, बट मेरा माइनक्राफ्ट उस वाले एपिसोड को बनाने के बाद बहुत क्रैश करने लग गया था, मतलब इतना प्रॉब्लम होने लग गया था मुझे लिटरली अपना मदरबोर्ड चेंज करवाना पड़ा है। एंड आई डोंट नो वो किस वजह से हुआ है, वो 4th, 3rd, 2nd, 1st किस एपिसोड की वजह से हुआ है, बट या मैं इतना डर गया था उसके बाद से मैंने ये वाली वीडियोस बनाने बंद कर दिया। एंड हाँ, अब मैं कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गया हूं। तो यस, विद दैट सेट चलते अपने फर्स्ट सीड पे। तो हमारा फर्स्ट माइनक्राफ्ट सीड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं भी इसे बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये काफी ज्यादा शॉकिंग और क्वेश्चनेबल है। तो यस, हमारा फर्स्ट माइनक्राफ्ट सीड है योर नंबर। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना, योर नंबर। अब तुम सोचोगे कौन सा नंबर, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तुम्हारे टेलीफोन नंबर, तुम्हारे मोबाइल नंबर, तुम्हारे फोन नंबर, तुम्हारे किसी भी सेल फोन का नंबर, चाहे वो तुम्हारा हो, चाहे वो तुम्हारे मॉम का हो, चाहे तुम्हारे डैड का हो। तुम्हें कभी भी माइनक्राफ्ट में वो नहीं एंटर करना चाहिए एक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड जनरेट करने के लिए। एंड सच बताऊं, जब मैंने भी पहली बार ये सुना था तो मेरे मन में भी डाउट था कि यार रैंडम नंबर डालने से क्या हो जाएगा, मोबाइल नंबर एक रैंडम नंबर ही हुआ ना एटलीस्ट माइनक्राफ्ट के लिए। बट इस योर नंबर वाले सीड की बहुत सारी बैक स्टोरीज है, बहुत सारी कहानी है एंड कुछ तो लिटरली इन रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशन तक भी पहुंच गई थी, कुछ के माइनक्राफ्ट का पूरा सर्कल बंद करवाना पड़ गया था। आई नो दिस इज साउंडिंग क्रेजी, बट अभी मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा तब तुम्हें थोड़ा बिलीव होने लग जाएगा। तो ये बात एक यंग लड़की की है जो कि यूएस में रहता था, मैनहट्टन में। एंड एज यूजुअल उसका एक फ्रेंड ग्रुप था जो कि साथ में माइनक्राफ्ट खेलते थे एंड वो मजे करते थे, वो SMPs में घर बनाते थे, बिल्ड्स बनाते थे। एंड उनका एक ऑफिशियल गैदरिंग टाइम होता था, वो सारे साथ में गैदर होते थे एंड वो माइनक्राफ्ट खेलते थे। देन एक दिन अचानक से माइक के दिमाग में क्यूरियोसिटी उठी एंड वो एक दिन रैंडम सीड्स ट्राई कर रहे थे माइनक्राफ्ट के एंड तब तक काफी रात हो चुकी थी। एंड देन अचानक से ना माइक के दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पे रैंडम नंबर्स डालने से वर्ल्ड जनरेट हो जाते हैं, तो क्यों ना हम अपना फोन नंबर डाल के देखें। एंड दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक जो माइक ने की थी। तो माइक तो एक यंग लड़का था तो उसका कोई पर्सनल ऐसे फोन नंबर नहीं था, तो उसने अपने एक्चुअली डैड का फोन नंबर डाला था। एंड जैसे उसने वर्ल्ड जनरेट किया, सब कुछ नॉर्मल था उस वर्ल्ड में, सब कुछ एज यूजुअल जो एक नॉर्मल वर्ल्ड में होता है माइनक्राफ्ट के। बट कुछ घंटों बाद जब वो लोग घर पे आ गए, सब सो गए, तब उसके डैड के फोन पे अचानक से नोटिफिकेशन आने लग गई फ्रॉम अननोन नंबर्स। एंड वो अननोन नंबर्स एक रैंडम ग्रुप ऑफ बच्चे की सेल्फीज भेज रहे थे उसके डैड को एंड विद क्रीपी इमोजीज एंड क्रीपी टेक्स्ट। बट वो सेल्फी माइक के फ्रेंड सर्कल की थी एंड उस सेल्फी में क्लियरली देख सकते थे माइक ने आईपैड ले रखा है हाथ में एंड वो स्क्रीन की तरफ देख रहा है। एंड सिर्फ यही नहीं, उस नंबर से लिंक्ड जो भी चीजें थी सबकी सब हैक हो चुकी थी, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। एंड इस योर नंबर वाली सीड की सारी स्टोरीज में से मैंने तुम्हें सिर्फ यही स्टोरी इसलिए सुनाई बिकॉज ट्रस्ट मी दिस वन इज रियली 100% बिलीवेबल, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी इधर उधर डाउनलोड कर लेते हैं एंड उनका डिवाइस हो जाता है हैक एंड उनके डिवाइस में आ सकता है वायरस। तो या हो सकता है किसी हैकर ने वायरस से हैक कर लिया हो माइक का आईपैड एंड उसके पास उसके डैड का नंबर चल गया हो एंड उस सीड के नंबर की वजह से उसके डैड का नंबर उस हैकर के पास भी चल गया हो। एंड अब मैं जा रहा हूँ पागलपंती करने, मैं ये योर नंबर वाला सीड ट्राई करने जा रहा हूँ। यस, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं ये वाला नंबर तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर होगा, वैसे मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ तुम्हें डालना, मैं तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो यस, पहले मुझे डालने दो। ऑलराइट, एंड मैं सर्वाइवल मोड में खेलने वाला हूँ विद डिफिकल्टी नॉर्मल एंड चीट्स ऑफ। नहीं, मैं चीट्स ऑन कर लेता हूँ, क्या पता मुझे बाद में इन्वेस्टिगेट करना पड़े ना क्रिएटिव में जाके। लेट्स गो, क्रिएट हो रहा है ब्रो। क्या मैंने अभी लिटरली अपना फोन नंबर डाल के एक माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड जनरेट किया? हियर वी आर। भाई स्पॉन काफी प्यारा मिला, कुछ ज्यादा ही प्लेन एरिया मिला है। डैम, मेरा नंबर इतना अच्छा है क्या? एंड आते हमें भर भर के गाय शीप्स। भाई भाई वाह। ओके, और देखने दो मुझे। ये किस तरह देख रही थी स्टैचू बन के। डैम
ओके नो माइंड तो यस अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है। ओह माय गॉड विलेज भी मिल गई। ओके मैं क्रिएटिव में हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके आसपास चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके आई थॉट भाई यहाँ पे पिंक शिप है। यो व्हाट इज दिस? ओके दिस इज स्ट्रेंज। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया सी, मेरे को ऐसे कभी टूटे फूटे ये तो कभी नहीं दिखाई है ऐसे। हेलो एंड यप यहाँ पे विलेज है। ओ तबेला, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ तबेला ऐसा कुछ। That is crazy. Okay, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अबे ऐसे लग रहा है किसी ने कोई गेंद मारी है फेंक के। Okay, तो इतना कुछ नहीं था इसमें। और ये सीड पे चर्चा वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीड पे। तो हमारे जो नेक्स्ट सीड होने वाला है, जो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका नाम है द अबैंडन्ड ट्राइब। यस, ये वाला सीड एक ट्राइब से रिलेटेड है, एक ट्राइब ऑफ प्रीस्ट तुम कह सकते हो। प्रीस्ट मतलब जो लोग पुजारी होते हैं एंड ऑल। तो इस सीड की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि ये सीड लोड करने के बाद लोगों को वियर्ड मतलब स्ट्रक्चर्स हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। और मेनली एक जो फॉरेस्ट के अंदर टेंपल नहीं दिखता, शायद तुम्हें पता होगा, आई डोंट नो उसे टेंपल बोलते हैं क्या बोलते हैं, टेंपल जैसे लगता है वो, जिसके अंदर ट्रेजर छुपा होता है। तो उसके अंदर वो प्रीस्ट का ट्राइब रहता था, बेसिकली विलेजर ही थे वो, लेकिन कुछ बुरी शक्तियों की वजह से उनका वो पूरा आसपास का स्ट्रक्चर इधर उधर हवा में डिसफॉर्म होने लग गया था, इधर उधर अटैच होने लग गया था, एंड सबके सब प्रीस्ट मारे गए थे, सारे के सारे विलेजर्स मारे गए थे। पूरा सन्नाटा रहता है इस वाले सीड में। एंड अकॉर्डिंग टू द सीड हमें वहां पे जाके एक उड़ता हुआ स्ट्रक्चर तो मिनिमम दिखना ही चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट हर स्ट्रक्चर उड़ता हुआ दिखता है, हर बिल्डिंग उड़ती हुई दिखती है। तो यस लेट्स गो। एंड ये सीड बहुत लंबा है। द सीड इज -907439 7841675380 एंड इसको करते हैं क्रिएट। भाई वैसे आई एम होपिंग कि मुझे कुछ उड़ता हुआ ना दिखे, वरना मैं तो डर जाऊंगा। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, लाइटें वाइटें पूरी सजा के बैठा हुआ हूँ डरावना माहौल करके। ओके ये आइस बायोम में आया हूँ। अबे चोट लगी। ओके मुझे भी ऐसे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा उड़ते हुए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इजीली। क्या ये उल्टा है? आई थिंक सो ये उल्टा है, ये शिप उल्टी है। ब्रो दिस इज स्ट्रेंज। ऑलराइट मुझे अभी तक ऐसे कुछ ऐसा दिखा नहीं उड़ता हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ही जगह पे दो दो रुइंड पोर्टल्स हैं। एंड सच बताऊं सन्नाटे वाली बात ना मुझे कहीं तक सही लग रही है क्योंकि लिटरली बहुत सन्नाटा है यहाँ पे। ओके अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरे पास ना एक कोऑर्डिनेट है एंड मिनिमम वहां पे तो हमें एक चीज दिख सकती है उस कोऑर्डिनेट पे। आई मीन पॉसिबल भी है एंड पॉसिबल नहीं भी है, बट हम जाके देखते हैं एक बार। रिकॉर्ड्स आर 822-119-2857। ओके हियर वी गो 822 रिकॉर्ड। Bro, no way! अबे ये क्या है? Oh my God, bro! वो छोड़ो, ये क्या है? Bro, is this the place जहाँ drive रहता था? ये कितना डरावना लग रहा है। तुम ये देखो, ये frame जरा देखो तुम। ये कैसे? ये What? ये लगा कैसे है? Okay, मैं यहाँ पे कुछ भी छेड़ना नहीं चाहूंगा। एक तो मेरे को वैसे ही पास्ट एपिसोड से ट्रॉमा मिल रखा है भाई, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा प्लीज, मुझे नहीं पता प्लीज। ओके सो दिस इज द टेम्पल ऑफ प्रीस्ट्स एंड मुझे ज्यादा चीजें तो नहीं दिख, मेरी गेम लैग हो रही है, मुझे ज्यादा चीजें तो नहीं दिखी, मुझे बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा आज तक माइनक्राफ्ट में, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सच बताऊँ मेरे को आसपास देखने का मन भी नहीं कर रहा था, मेरी गेम लैग हो रही है, मेरा सिर्फ यही वाला सीड लैग हो रहा है। दिस होल थिंग इज वियर्ड। ओके चलते अपने नेक्स्ट सीड पे, चलते भाई दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो जो हमारा सीड नंबर 3 है उसका नाम मैं बोल नहीं सकता वरना वो येलो डॉलर हो जाता है, बट इट इज नोन एज द पॉइंट। एंड मैं सच बता रहा हूँ ये नाम सुनने के बाद ही मेरा ये सीड ट्राई करने का मन भी नहीं कर रहा था, बट अब ये लिस्ट में है तो मुझे करना पड़ेगा इसे। तो जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे लोग अपनी जान देने के लिए आते थे। एंड तुम लोग सोच रहे हो ऐसे जान देने मतलब कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इस सीड में एक पॉइंट है जहाँ पे देयर इज द हाईएस्ट द टॉलेस्ट आइसबर्ग यू हैव एवर सीन इन माइनक्राफ्ट। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो विलेजर्स परेशान थे, जो भी सिटीजन्स उस टाइम पे परेशान थे माइनक्राफ्ट के, मोस्टली विलेजर्स एंड एनिमल्स, वो इस पॉइंट से छलांग मार के अपनी जान दे देते थे। एंड या ये वन ऑफ द फेमस सीड्स में से एक है, एंड मेरे को इसे ट्राई करने में भी डर लग रहा है, बिकॉज यार इस सीड को जो भी ट्राई करता है सब बोला गया उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, एंड वो मैं नाम नहीं लूंगा उस चीज का, बट वो उस चीज की टूवर्ड्स अट्रैक्ट होने लग जाता है। एंड बहुत ही अनबिलीवेबल कहानियां इस सीड से रिलेटेड, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो एक एक्चुअली में एक विलेजर की लव स्टोरी की थी, इसका बेचारे का दिल टूट गया था एंड उसने इस पॉइंट से आके सबसे पहले उसी ने जान दी थी। एंड या डैम अगर ये सच हो तो भाई आई एम फीलिंग सैड फॉर दैट विलेजर, एंड दैट विलेजर नी गो टू हेल। अब मैं जा रहा हूँ इसे ट्राई करने के लिए। एंड द सीड इज -21892103701613272772। अगर वो टॉलेस्ट आइसबर्ग हमें दिख गया तो मतलब ये सीड कहीं ना कहीं तक सच है। ओके भाई आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस वन।
आइस बायोम तो नहीं दिख रहा है। ओह डैम, ओह वाओ क्या विलेज है। तो एक काम करता हूँ, मैं ना टीपी हो जाता हूँ। -1993704300 एंड बी जो ब्रो जो भाई साहब। ओह माय गॉड भाई, मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में ना आई गेस इतना बड़ा ही देखा होगा ये, बट व्हाट इज दिस ब्रो। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तक है, तुम देख रहे हो यहाँ पे, मतलब खड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तक है कि यहाँ पे खड़ते थे और लोग नीचे कूद जाते थे। ओह नो ब्रो, दिस इज टू हाई, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा हाई है। इसके नीचे भाई पूरी माइनक्राफ्ट है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। दैट होल इज फेयर। तो यस, वो लोग यहाँ पे खड़ते थे एंड दिस इज दैट पॉइंट, एंड यहाँ से नीचे बाय 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 बाय। This is creepy. मैं सच बता रहा हूँ, मेरे ना इसको देखते रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड आई डोंट नो भाई, मैं क्यों इस सीट पे। ठीक है, तुमने देख लिया ना, ये है वो, मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से। Oh no bro, that was negative vibe. All right, now comes the fourth seat to investigate. And इस सीट का नाम है The Magic of the Hell. And ये सीट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एक बेडरॉक का सीड है एंड ये हमारी सीरीज का कोई पहला बेडरॉक का सीड है। तो इस सीड में ऐसा क्या मैजिक है और वो द मैजिक ऑफ हेल क्यों बोला जाता है। आई मीन इसका नाम मैजिक ऑफ डेविल भी है, मैजिक ऑफ हेल भी है। तो ये स्टोरी भी एक माइनक्राफ्ट की नॉर्मल स्टोरी से स्टार्ट होती है। एक विलेज था जिसके पास में ही एक विच का हट था, बट वो विच बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करती थी विलेजर्स के साथ एंड आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। एंड वो विच एक्चुअली में बहुत ज्यादा गुड प्रैक्टिसेस करती थी, गुड स्पेल्स प्रैक्टिस करती थी विलेजर्स को हेल्प करने के लिए, उनके विलेज की ग्रोथ के लिए। बट एक दिन, यू नो वेयर दिस इज गोइंग, तुम्हें पता ही है कि विच की फेवरेट कैट होती है उसके हट में, द ब्लैक कैट। तो एक दिन जब वो विच अपना सारा सामान अपने क्राफ्ट का इकट्ठा करके अपने हट में आ रही थी, तो उसने देखा कि उसकी कैट मरी पड़ी है एंड या शी इज ड्रॉप डेड, वो लेटी हुई है प्लैंक के ऊपर। एंड जब विच ने देखा तो उसने अपना आपा खो दिया एंड फिर वो बन गई अच्छी से बुरी विच। एंड उसने उस विलेज को और उन विलेजर्स को तबाह तो किया ही, बट उसने एक ऐसा कर्स लगा दिया था कि आसपास के जितने भी विलेजेस होंगे, जितने भी विलेजेस, उनके अंदर या तो ज़ॉम्बी विलेजर्स ही बनेंगे या तो वो विलेजेस स्पॉन ही नहीं हो पाएंगे, वो एकदम ही प्लेन एरिया, एकदम ही पॉइंट ब्लैंक एरिया। एंड ये स्पेल धीरे धीरे कुछ और चीज में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो विलेज था ये बर्च फॉरेस्ट के आसपास ही था एंड ये जो विच ने कर्स दिया था ये एक्चुअली में उस बर्च फॉरेस्ट पे भी लग गया। एंड उस बर्च फॉरेस्ट में एक ट्री है जो कि दुनिया का, आई मीन माइनक्राफ्ट की दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा बर्च ट्री है। लाइक तुम्हें पता है बर्च ट्री की ज्यादा हाइट नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, बट ये वाला बहुत बड़ा है। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट बेडरॉक पे एंड yeah, let's do it. मैं एक नया वर्ल्ड बनाऊंगा with the seed I have. Okay, so the seed is 4680-8347. Okay, this was kind of short. Let's create. Let's see where this goes. क्या हमें वो बर्च वाला ट्री दिखेगा जो सबसे बड़ा हो रखा है? And अगर वो दिखा तो मैं आसपास मेरी जी जान लगा दूंगा मैं विलेज ढूंढने के लिए। बर्च फॉरेस्ट तो नहीं है तो मुझे एक्चुअली में टीपी होना पड़ेगा। ओ बर्च फॉरेस्ट है। Okay, ये वाले ट्रीज तो चलो बड़े होते ही हैं, ये तो पता है, बट जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बर्च ट्रीज कितने बड़े होते हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम या तो बस 4 ब्लॉक या तो बस 3 ब्लॉक तक होते हैं। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रंक ओनली, ठीक है, नॉट अबाउट दिस पार्ट। एंड अभी हमें अगर वो दिख गया जो हमें दिख जाना चाहिए तो फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं टीपी हो जाता हूँ। 3066427। ओके लेट्स गो। यो ये कहाँ है? ओह नो वर्ड, यहाँ पे बर्च फॉरेस्ट तो नहीं है। ओके शायद मैंने गलत सीड डाला था, लेट मी ट्राई अनदर वन। सीड इज 4322666080। ओके हियर वी गो, हमें एक बर्च फॉरेस्ट तो मिला। यू ऐसे लग रहे पेड़ कट के गिर रखे यहाँ पे, बट हमें एक टॉलेस्ट ट्री ढूंढना है। अगर ये इसमें भी नहीं मिला तो दैट मीन्स ये तुम लोगों के फोन में जरूर मिलेगा बिकॉज ये मैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक पीसी वर्जन खेल रहा हूँ। इज दैट अ बर्च ट्री? ओके दिस इज टॉल, नॉट गोना लाई, बट इससे भी टॉल भाई। दिस इज 6 ब्लॉक्स और 7 ब्लॉक्स, आई डोंट नो यार, इसकी तो भाई प्यारी सी लग रही है, वो तो लिटरली बहुत ही टॉल है, बहुत ही। ओके आई गेस तुम भी एक बार जाके ट्राई कर सकते हो एंड लेट मी नो, तुम्हें पता ही है कैसे करना होता है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज या टैग कर सकते हो तुम एंड यस अगर जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना। एंड विद दैट सेड आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, वेट फॉर नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। हा हा।